अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर के कागज ढूंढने के लिए आए थे ना तुम लोग, चलो देता हूं घर के कागज तुम्हें। दामाद जी पहले चलो, अपने बहन को कमरे से निकलवाना है, चलो। देवरानी जी हम रखे हैं कड़ी नजर रख। चौकीदारी करने का घना शौक चले संत ने, तो आज से पूरे घर में जागते रहो कर नारा लगा के घूम। सरपंच जी, नरपत जी माफ कर दीजिए, अब इतना पूरा दिन काम करके रात में सोएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे कसम से। प्लीज ये तुम्हारी बैंड पे नजर रखने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो सजा मिलेगी। भैया इन लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया था, हो ना हो ये राधिका की साजिश है, इसी ने मेरे दिव्यम जी को बहला फुसला के षड्यंत्र में शामिल किया होगा। चाल चाहे जिसकी भी हो, सजा तो पूरे परिवार को मिलनी है। अरे भाभी क्या कर रही है, हमको लग रहा है, अपना हाथ संभाल के रखिए। सुजाता यहाँ मच्छर मेरी जान ले रहे और तुम्हें हाथ की पड़ी है। मन करे करे तो से सारी सारी रतिया, मन करे करे तो से सारी 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 सारी। क्या कर रही है, अरे कहाँ से आई ये आवाज भाभी? अरे इतनी रात को गाना कहाँ से बज रहा है? अब मम्मी जी वो भी भोजपुरी। अरे कौन है, क्या? कौन है? अरे अरे इतनी रात को क्या कर रहे हो? बंद करो, बंद करो ये सब। अरे 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 मत करो, कौन है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता फिर से आ गए। क्या हुआ, खुल गई नींद अब सबकी? चलो 5 मिनट में सब हॉल में मिलो। और बहना के ससुर जी तुम 1 मिनट ज्यादा ले लो, लुढ़क लुढ़क के आओगे वक्त तो लगेगा ना। चलो जल्दी। ऐसे अचानक आधी रात को इन्होंने नीचे क्यों बुलाया? राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ गोलू और गली भी नहीं दिख रहे कहीं। ये भगवान पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा होने वाला है। आधी रात को हमें क्यों जगाया? हमने ना जगाया मत्ता जी, थारे बालक ही कूदा फांदी कर रहे थे आधी रात ने। ये तीनों हमारे कमरे में घुस के घर के कागज ढूंढ रहे थे। इसलिए हमने सबके सामने ही टांग दिए। अब कागज के 3 हिस्से थे, तुम में दम से तो ले लो मारे तरीके से ये कागज।
कैसा तरीका? आप कली भाभी, वो बचपन में आपने कूद कूद के चॉकलेट्स और जलेबी खाने वाला रेस तो खेला होगा, बस वही खेल है। ने मेरे हाथ क्यों नहीं बांधे? मैं भी तो शामिल था ना इस प्लान में। दिव्यम जी, आप मेरे होने वाले पति हैं, इसका कुछ तो फायदा होगा ना आपको। एक बहुत ही आसान काम है आपके लिए, रुकिए। जब ये लोग कूद कूद के कागज ले रहे होंगे ना, तो आपको इनके ऊपर ये टेनिस बॉल्स मार के इनका काम थोड़ा सा और मुश्किल करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा घटिया काम नहीं करने वाला। ठीक है दामाद जी, तुमसे ना हो पाएगा तो हम इस बुड्ढे की खोपड़ी खोल देते हैं, सबका काम आसान हो जाएगा। दिव्यम जी, हम पेपर्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। ये पक्का राधिका का प्लान है, हमेशा ऐसे खुराफात प्लान बना करके हमारे मुन्ना को फंसाती रहती है। बार बार एक बात याद दिलाने की जरूरत ना है, तुम सास ना बहू अब। चिल्ला के बोल इसने और जुबान बंद करे अपनी, वरना थारी सजा ये भुगतेगी। तुम चुप करो, हमें जो करना है हमें करने दो। चलो बीच में आओ। अरे पर एक जरूरी काम तो रह गया। तेल क्यों डाल रहे हो तुम? अब आएगा खेल का असली मजा, और इस काम के लिए तुम्हें पूरे 3 मिनट मिलेंगे। खेल शुरू, चलो। राधिका। ना ना दामाद जी, अगर आपने जरा भी मदद करने की कोशिश की तो आपके पापा जी का खोपड़ी खाली कर दूंगा मैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।